दोस्तों ये है टाटा हैरियर डॉट ईवी, पंच डॉट ईवी हाल ही में लॉन्च हुई है। आपको पता है सीएनजी में मिलती है भाई, पेट्रोल में है, और अब ये इलेक्ट्रिक में है। नेक्सॉन डॉट ईवी डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिक और सीएनजी में भी आई जाएगी। अब ये जो है ये है हैरियर डॉट ईवी। अब हैरियर डॉट ईवी एक तो एक कलर जो है बिल्कुल नया सा है, और इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत होगी वो यही होगी कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जाएगा। मतलब हैरियर के चारों पहिए होंगे, मतलब अगले पिछले दोनों टायर पर मोटर दी जाएगी। लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज कंपनी का क्लेम है। अब ये क्लोज टू प्रोडक्शन है, यानी कि क्लोज टू प्रोडक्शन जो कि हैरियर फेसलिफ्ट है वैसी ही कुछ नज़र आ रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक के तौर पर कुछ कुछ चीज़ें चेंज की हैं, और इसमें एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर रेडार आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ आपको कैमरा देखने को मिल ही रहा है। अब ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, हाई बीम लो बीम के साथ आपको इंडिकेटर्स वहीं मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स तो खैर यहाँ पर मिलेंगे, और फॉग लाइट भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। आप बताओ फ्रंट से ये गाड़ी कैसी लग रही है। साइड में देखेंगे तो साइड में आपको बड़े बड़े चक्के देखने को मिल जाते हैं। बड़े बड़े चक्के मतलब आप ऐसा समझो MRF के टायर हैं। और ये जो टायर हैं दिख रहे हैं आपको, ये जो टायर हैं काफ़ी बड़े हैं, लो रेजिस्टेंस टायर हैं। इलेक्ट्रिक के तौर पर कंपनी ने इसे यूज़ किए हैं। 17 इंच के आपको यहाँ पर ये दिए जा रहे हैं। 17 इंच नहीं, बेसिकली आपको ये क्या लिखा है, हाँ लगभग 19 इंच के टायर हैं, सॉरी 17 के नहीं 19 इंच के टायर है। डॉट ईवी का यहाँ पर बैज मिल जाता है। ग्राउंड क्लीयरेंस लगभग उतना ही होगा जितना आपको अभी हैरियर में देखने को मिल रहा है। बैटरी नीचे लगाई जाएगी, बिल्कुल जो नीचे लगाई जाती है। इंटीरियर वगैरह तो नहीं दिखाया कंपनी ने, लेकिन इंटीरियर में भी सेम वैसा ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, आप देख लोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा कि इंटीरियर में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ देखो थोड़ा सा, और ये यहाँ पर देखो वही बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कुछ वैसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन रियर प्रोफाइल आप देख लो हैरियर का, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो लेटेस्ट फेसलिफ्ट हैरियर है वैसा ही देखने को मिल रहा है। वैसी ही रियर टेल लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाती है। हैरियर डॉट ईवी यहाँ पर लिखा गया है, और वोकल फॉर लोकल ये हमेशा कंपनी बैज लगाती है। रियर बम्पर आप देख सकते हैं ये थोड़े से बदले हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपको दिख जाते हैं, दो हैं। अरे टाटा क्या कर रही हो, दो सेंसर क्यों दे रही हो, चार दो ना, चार सेंसर में कम से कम। खैर कॉन्सेप्ट है अभी भी, मतलब लेकिन क्लोज टू प्रोडक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है जब कंपनी लॉन्च करेगी उतारेगी तो हो सकता है चार पार्किंग सेंसर्स दे दे। रिफ्लेक्टर्स आप देख ही रहे हैं। अभी फिलहाल ये गाड़ी डीजल इंजन के साथ आती है, और जो डीजल इंजन है ना वो भी इनका खुद का नहीं है, और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो भी इनका खुद का नहीं है। डीजल इंजन फिएट का है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ह्यूंडई का है, ठीक है। अब जो खुद का होगा वो इनका होगा, ये पावर ट्रेन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, और ये गाड़ी, समझ रहे हो। तो ये पूरी की पूरी हैरियर ईवी जो होगी वो टाटा की खुद की होगी, ऐसा नहीं है भैया इधर उधर से चुरा के लगा दिया, ठीक है। हम मानते हैं टाटा इधर उधर से चुरा के नहीं है, टाटा इधर उधर से मांग के लगा देती है। उतनी ज़्यादा इंजन विंजन को लेकर इनके पास चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है ईवी बढ़िया है। थम्स अप।